we teach lesson number 2 the founder of christianity jo christian se uske kon founder hai iske bare mein hum jankar lene wale hain students to chaliye dekhte hain so students open your english textbooks on page number 8 second number lesson the founder of christianity christianity is one of the chief religion of the modern world जो क्रिश्चियनिटी है सबसे इम्पोर्टेंट अभी क्या है धर्म है इट्स फाउंडर वॉज जीसस क्रिस्ट इसके जो फाउंडर है स्थापनकर्ता वो है जीसस क्रिस्ट नोबडी नोज फॉर ए सर्टन व्हेन जीसस क्रिस्ट वॉज अ बॉर्न बट ही इज बिलीव टू हैव अ बॉर्न ऑन द 25th डे ऑफ ए डिसम्बर इन 04 BC तो जो उनका जन्म हुआ था 25th डिसम्बर को हुआ था तो उस दिन हम अभी क्रिश्चियन जो रहते हैं क्रिसमस डे मनाते हैं हीज बर्थडे इट्स कॉल्ड क्रिसमस और ए क्रिसमस डे तो उनके बर्थडे के दिन उनका जन्म जब हुआ था उसी दिन में हम क्या मनाते हैं क्रिसमस डे मनाते हैं एंड इट इज सेलिब्रेट बाय द क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड और ये सभी सेलिब्रेट कौन करते हैं जो क्रिश्चियंस पारसी लोग सॉरी तो जो ईसाई धर्म के लोग है वो जो है क्रिश्चियन लोग ठीक है वो क्रिसमस मनाते हैं इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स होता है उनका द नेम ऑफ जीसस क्रिस्ट मदर वॉज ए मैरी तो अभी उसके बारे में जान कर लेंगे जो जीसस क्रिस्ट है उनके मम्मी का नाम था मैरी हिज फादर नेम वॉज अ जोसेफ और उनके पिताजी का नाम था जोसेफ मैरी एंड जोसेफ लिव इन ए स्मॉल विलेज ऑफ ए नाजरेथ और जो मैरी और जोसेफ है उनके माता जी पिताजी ये दोनों नाजारेथ में रहते थे जोसेफ वॉज अ कारपेंटर मैरी वॉज अ पियोस वुमेन जो जोसेफ थे वो कारपेंटर थे और जो उसकी मम्मी थी वो एक पवित्र ऐसे वुमन थी दोज डे डैट अ डिग्री वॉन्ड आउट फॉर ए सीएस ऑगस्टस एंड सॉरी दैट ऑल द वर्ल्ड शुड बी रजिस्टर्स एंड द फर्स्ट सेंसस टूक प्लेस मैरी एंड जोसेफ वेंट टू द लिटल टाउन ऑफ ए ब्रेथेलम टू गेट इन रजिस्टर देयर नेम तो फिर उन दोनों ने शादी कर ली थी और वो ब्रेथलेम में चले गए थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए दे स्टे एट एन इन और वो एक इन में ठहरे हुए थे धर्मशाला में रुके थे जीसस वॉज बॉर्न देयर तब वहाँ पे जीसस का जन्म हुआ था हिज मदर मैरी मेड अ क्रैडल फॉर हिम इन मैनेजर तो फिर जो है उनकी मम्मी ने क्या किया था उनके लिए क्रैडल बनाया था इट इज सेड दैट थ्री वाइज मेन ऑफ ए इज न्यू अबाउट हिज बर्थ दे सेट आउट टू सी हिम गाइडेड बाय ए ब्राइट स्टार दे रीच द ब्रेथलम दे पेड देयर द रिस्पेक्ट टू द बॉय जीसस एंड गेव हिम सम प्रीशियस गिफ्ट तब वहाँ के जो तीन लोग थे वाइज मेन थे वो वहाँ पे मिलने के लिए आए थे जीसस को देखने के लिए आए थे और उनके लिए उन्होंने महंगे ऐसे गिफ्ट भी लाए थे तो आप सभी को पता है जब भी कोई बच्चे का बेबी का जन्म होता है तो हम देखने के लिए जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं ना वैसे जो तीन वाइज मैन थे वो भी वहाँ पे गए थे नॉट मच इज नोन अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ ए जीसस क्रिस्ट एट द एज ऑफ ए 12 ही वेंट टू द जेरुसलम विथ हिज पेरेंट्स फिर जब वो 12 साल के थे तब उनके पिताजी के साथ वो जेरुसलम गए थे देयर ही टॉक टू मेनी पीपल एंड पुट टू देम अ स्ट्रेंज क्वेश्चन ऑन रिलीजन तब वहाँ के लोग थे उनके साथ उन्होंने बात कर ली थी और वहाँ पे क्वेश्चन भी उन्होंने पूछे थे धर्म के बारे में एट द एज ऑफ ए 30 ही वेंट टू द जॉन द बैप्टिस्ट एंड बिकम हिज फॉलोअर फिर जब 30 साल के थे तब वो जॉन में चले गए थे जीसस क्रिस्ट जो थे वो और वहाँ पे उनके बहुत फॉलोअर थे व्हेन जॉन वॉज अरेस्टेड फॉर सम रीजन ही वांडर अलोन फॉर सम टाइम जब जॉन को किसी कारण की वजह से अरेस्ट किया गया था तब जो जीसस थे वो इधर उधर घूम रहे थे किसी कारण की वजह से कुछ टाइम के लिए देन ही केम बैक टू हिज विलेज टू प्रीच फिर वो फिर उनके जो है कि जो विलेज थे वहाँ पे रिटर्न आ गए और लोगों को उपदेश करने लगे बट ही वॉज अ वेलकम विथ स्टोन ही हैड टू लीव हिज विलेज फिर वह फिर से वो जैसे रिटर्न आ गए उनके विलेज में तब लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे पत्थर से उनका स्वागत किया गया इसलिए उनको उनका विलेज छोड़ना पड़ा ही वंडर ऑफ इन टू अ हिल्स ऑफ ए जुडिया फिर वो जुडिया
का विलेज जो हिल था वहाँ पे वो इधर उधर घूमते रहे, क्योंकि उनको उनका जो गांव था वो छोड़ना पड़ा था। द कॉमन पीपल लाइक अ फिशरमैन एंड लेबरर्स बिकम हिज फॉलोअर। फिर वहाँ के जो कॉमन पीपल थे, फिशरमैन थे, वो भी उनके फॉलोअर्स हो गए। ही गेव देम द होप ऑफ ए बेटर लाइफ। दे वेंट टू विद द फ्रॉम टाउन टू टाउन एंड विलेज टू विलेज। फिर वो उनको बेटर लाइफ कैसे जीते ऐसी होप देने लगे और एक जगह से दूसरे जगह, एक विलेज से दूसरे जगह वो जाने लगे। जीसस हैड अ ग्रेट लव फॉर अ चिल्ड्रन। जो जीसस थे उनको बच्चों से बहुत ही प्यार था। पीपल वेयर ब्रिंगिंग लिटल चिल्ड्रन टू जीसस फॉर हिम टू प्लेस हीज हैंड्स एंड ब्लेस देम पुट द डिसप्लीज डिस रिबुक दे। फिर जब बच्चे का कोई भी जन्म होता था तो लोग जीसस के पास लेके जाते थे, उनका ब्लेस वो लेते थे, आशीर्वाद वो लेते थे। जीसस सेड टू देम लेट द लिटल चिल्ड्रन कम टू मी एंड डू नॉट हैंडल देम फॉर द किंगडम of a god belongs so sorry to such as this, and he took the children in his arm place and his hand on them and blessed them। फिर वो बच्चों को लेते थे, ठीक है, उनसे प्यार करते थे और वो जो है उनको आशीर्वाद देते थे, उनके हाथ में लेते थे, ठीक है। Jesus found that the grown ups were full of ill will for others, बट ही डिड नॉट हेट डेम, ही हैड अ लव एंड पिटी फॉर देम। तो कोई ऐसे लोग रहते थे, बीमार लोग भी उनके पास जाते थे, पर उनका वो हेट नहीं करते थे, उनसे वो प्यार करते थे, दया दिखाते थे। ही हेटेड सीन बट नॉट द सीनर। वो कैसे है, जो सीन रहते, सीन यानी होता है पाप, वो उनको पाप जो थे, लोग पाप करते थे उनका पसंद नहीं था, उसका वो तिरस्कार करते थे। बट जो पापी लोग होते हैं उनका वो तिरस्कार नहीं करते थे। He told people to love one another, और वो लोगों को बताते थे कि एक दूसरे से हमें प्यार करना चाहिए। They should not harm others, और वो हमेशा कहते थे कि किसी को हमें हार्म नहीं करना चाहिए, हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। They should be kind not only to their the friends but also to their enemies, तो वो जो है कि उनके जो शत्रु रहते थे उनके ऊपर भी वो kind दया दिखाते थे, उनके एनिमीज के ऊपर भी दया दिखाते थे। दे शुड बी एट अ पीस विथ वन अनदर, दे शुड हैव अ गुडविल फॉर अदर्स, और हमेशा वो दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचते थे कि दूसरे का मंगल हो, अच्छा हो। जीसस अगेन वेंट टू द जेरुसलम। फिर से जीसस जेरुसलम में चले गए थे। देयर ही प्रीच फॉर अ सम टाइम। ही सेड दैट द हाउस ऑफ अ गॉड वॉज ओनली फॉर प्रेयर नॉट फॉर मेकिंग मनी। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि ये जो भगवान का जो द्वार है वो प्रेयर के लिए बनाया है, भगवान का जो वहाँ पे चर्च रहता है वो भगवान का है, सबके लिए बनाया है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। द प्रीस्ट गॉट एंग्री विथ हिम एंड बिकम हिज एनिमी। फिर वहाँ के जो प्रीस्ट थे, ठीक है, वहाँ के जो पुजारी थे, जो लोग जो रहते हैं ना गॉड की पूजा करने वाले, वो उनके एनिमी बन गए फिर, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ से पैसे कमाए जाते हैं। दे टूक हिम टू पॉन्टियस पिलेट who was the governor of a Judea at that time। Pontius Pilate ordered him to be a nail for a wooden cross। फिर वहाँ उन्होंने, वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने कहा कि अभी इनको जो है कि सूरी पे चढ़ाया जाए, ठीक है। तो उन्होंने जो है उनके बॉडी को नेल से उड़न क्रॉस, जो आप सभी को पता है ऐसा क्रॉस होता है उड़ का, उसके ऊपर उनको लटका दिया और उसके बॉडी में नेल्स यानी जो खिले होते हैं वो ठोक दिए थे। When Jesus was arrested, a display of his name, Peter drew his sword to defend him। Jesus only smiled and said, he who take the sword shall perish by the sword। फिर वहाँ पे जो है कि पीटर नाम का उनका एक फ्रेंड था, उन्होंने उसे डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए जो है कि वहाँ पे बताया, बट उन्होंने कहा, जीसस ने कहा कि वो हंसे और कहा, ये जो लोग हैं उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। जीसस क्रिस्ट वॉज अ क्रूसीफाइड अलॉन्ग विद टू थीव्स, वन ऑफ ईच साइड इन AD 29। द थीव्स कर्स द मेन हु वेयर अ क्रूसीफाइंग देम, बट जीसस प्रे टू गॉड फादर फॉर गिव देम फॉर दे नो दैट वॉट दे डू। फिर वहाँ पे जो लोग, ये लोगों ने उसके ऊपर सूर्य के ऊपर चढ़ा दिया, उनको उनके जो बॉडी में खिले उन्होंने ठोक दिए थे। फिर वो भी तब जो है कि वो गॉड को प्रे कर रहे थे, देखिए तब गॉड को प्रे कर रहे थे, वो कह रहे थे कि फादर फॉर गिव देम, ये जो लोग हैं इनको माफ कर दो, फॉर दे नो डैट वॉट डे डू, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। द फॉलोअर्स ऑफ ए क्रिस्ट आर नोन एज अ क्रिस्टियन, तो जो क्रिस्ट है उनके फॉलोअर जो उसे क्रिस्टियंस कहते हैं, एंड देयर द रिलीजन इज नोन एज अ
क्रिश्चियनिटी, और उनके धर्म को क्रिश्चियनिटी कहते हैं, ईसाई धर्म कहते हैं। टुडे क्रिश्चियनिटी इज मोर वाइडली स्प्रेड देन एनी अदर रिलीजन इन द वर्ल्ड। अभी हमें पूरे दुनिया में जो है कि क्रिश्चियनिटी यही जो धर्म होता है यही हमें ज़्यादा लोग दिखते हैं। क्रिस्ट इज अ लुक अपॉन बाय ऑल एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोफेट्स। तो ऊपर से जो है कि वो पैगंबर होते हैं, प्रोफेट्स यानी एक भगवान ही होते हैं, उनकी तरह जो लोग हैं उनके देख रहे हैं ऊपर से वो। तो इस तरह से हमने देखा है द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। यहाँ पे आपको हार्डवर्स दिए हैं, तो ये हार्डवर्स आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है। अभी इस लेसन को आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। फिर अभी हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे जो कि आपको इंग्लिश के नोटबुक में सॉल्व करनी है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है हु वाज जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट कौन थे, तो आपको आंसर में लिखना है द जीसस क्राइस्ट वाज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। ओके नेक्स्ट, व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स का नाम क्या था, तो आपको आंसर में लिखना है द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मदर वॉज मैरी एंड फादर नेम वॉज अ जोसेफ। ओके थर्ड, वेयर डिड हिज पेरेंट्स स्टे वेन दे वेंट टू अ ब्रिथेलम, जब ब्रिथेलम में चले गए थे तब वो कहाँ पे रुके थे, तो आपको आंसर में लिखना है दे स्टे एट एन इन वेन दे वेंट टू ए ब्रिथेलम। ओके नेक्स्ट, व्हाई डिड द थ्री वाइज मेन ऑफ ईस्ट गो टू ब्रिथेलम, जो थ्री वाइज मैन थे वो ब्रिथेलम में क्यों गए थे, तो आपको आंसर में लिखना है हिज मदर मैरी मेड अ क्रैडल ऑफ आवर मैनेजर इट सेड दैट द थ्री वाइज मैन ऑफ ईस्ट न्यू अबाउट हिज बर्थ, दे सेड टू सी हिम दैट्स व्हाई दे वेंट टू ईस्ट ब्रिथेलम। ओके नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड ऑफ ए जीसस क्राइस्ट When he went to village to preach, जब वो village में गए थे preach के लिए तो क्या हुआ था, तो आपको answer में लिखना है When he went to his village to preach, that time he was a welcome with a stone, that's why he had to leave his village. Okay, next, why did the priest of a Jerusalem take him to the governor of Judea, तो यहाँ पे आपको answer में लिखना है people were bring little children to Jesus for him to place his hand and bless them, but displease rebuke them. There he preached for some time. He said that the house of a God only for prayer, not for making money. That's why the priest of Jerusalem take him to the government of Judea. Okay, next. In which year was he crucified? कब उनको क्रूसीफाइड किया गया था, तो आपका आंसर में लिखना है जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसीफाइड अलोंग विद टू थीव्स वन ऑन ईच साइड इन एडी 29। ओके नेक्स्ट, हु आर नोन वहाँ पे क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियंस है उनको क्या कहते हैं, तो आपका आंसर में लिखना है द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट आर नोन एज अ क्रिश्चियंस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट यस और नो ऑन द गिवन लाइन्स। फर्स्ट है जीसस क्राइस्ट वॉज अ ग्रेट प्रोफेट, यस आपको आंसर में यस लिखना है। ही वॉज अ बॉर्न एट जेरुसलेम, नो जेरुसलेम में नहीं हुए थे वो बॉर्न। नेक्स्ट, ही हेटेड द सिनर, नो वो सिन को हेट करते थे, सिनर को नहीं, तो नो लिखना है थर्ड में। फोर्थ, ही वॉन्टेड पीपल टू लव अनादर, यस। नेक्स्ट, ही वॉज अ 35 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वॉज अ क्रूसीफाइड, यस। ओके नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, द फाउंडर ऑफ ए क्रिश्चियनिटी वॉज, तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड बुद्ध दिया है, तो यहाँ पे आपको जीसस क्राइस्ट यहाँ पे टिक करना है, लिखना है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ ए क्रिश्चियन इज, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग उनके कौन सा फेस्टिवल इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट होता है, वो है दिवाली, ईद उल फितर, होली, क्रिसमस, तो क्रिसमस होता है स्टूडेंट, डी को हमें टिक करना है। नेक्स्ट, जीसस पेरेंट्स लिव इन अ स्मॉल विलेज, कहाँ पे रहते थे जीसस के पेरेंट्स, जुड़िया, ईरान, नाजारेत, जेरुसलेम, तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है नाजारेत। नेक्स्ट, जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसीफाइड ऑन, जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था, कब किया था, 28 AD, 29 AD, 30 AD, 31 AD, तो 29 AD को किया था, यहाँ पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट, द फॉलोअर ऑफ ए
क्रिस्ट आर नोन एज, जो क्रिस्ट के फॉलोअर होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टियंस, मुस्लिम्स, हिंदूज, बुद्धिस्ट, क्रिस्टियन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको टिक करना है ए में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पिक आउट द कंजेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सी द एग्जांपल। कंजेक्शन यानी दो सेंटेंस, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने वाला जो वर्ड होता है उसे कहते हैं कंजेक्शन। एग्जाम्पल है, डॉग्स एंड कैट्स आर अ पेड एनिमल। डॉग और कैट पालतू एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं। यहाँ पे देखिए एंड, डॉग को और कैट को एंड से जोड़ा, इसलिए एंड यहाँ पे क्या है, कंजेक्शन। अब हम देखेंगे, गिव हिम टी और कॉफी, यहाँ पे और जो है इसे जोड़ा गया है टी और कॉफी को, यहाँ और जो है कंजेक्शन है। आई अबाउट द बुक बट फॉरगोट टू ब्रिंग इट, तो यहाँ पे बट यहाँ पे जोड़ा गया है, तो बट को हमें अंडरलाइन करनी है राइट और साइड में लिखना है। नेक्स्ट, गीता एंड नांसी वेयर सॉरी आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एंड दिया है, गीता और नांसी का नाम जोड़ा गया एंड से, तो एंड यहाँ पे कंजक्शन है, साइड में लिखना है आपको अंडरलाइन करके। यू मस्ट वेट हियर अंटिल आई कम बैक, तो यहाँ पे जो है अंटिल ये जो है कंजक्शन है, तो यहाँ अंटिल को आपको साइड में लिखना है। नेक्स्ट, आई शॉल नॉट बी सरप्राइज इफ ही फेल, तो यहाँ पे जो है इफ से जोड़ा गया है, तो यहाँ अंडरलाइन करना है आपको, साइड में लिखना है। द वेदर इज अ फाइन एंड द सी इज अ काम, यहाँ एंड जो है इसे अंडरलाइन करके साइड में हमें लिखना है। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड इंटरजेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो इंटरजेक्शन होते हैं उद्गारवाचक, जब भी हम कोई देखते हैं तो हमारे मुंह से आवाज निकलती है, जैसे सांप निकला, हम सांप देखा तो हम कहते हैं प्रे, तो यहाँ पे जो वर्ड्स हमने निकाला है वैसे इंटरजेक्शन कहते हैं उसे। तो देखिए यहाँ पे जो है कि एक तो सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं कभी भी वर्ड, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स रहता है। यहाँ पे देखिए, हुर्रा ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, हम कहते हैं अरे वाह कि वो फर्स्ट में क्लास में फर्स्ट आया है, या हुर्रे ये जो है इंटरजेक्शन है, अंडरलाइन करके साइड में लिखना है। ओह माय बैक इज अ पेनिंग, मेरी जो है पीठ दर्द कर रही है, या ओ जो है इंटरजेक्शन है। शिट आई मिस द ट्रेन, हम कहते हैं ना कभी अब कोई भी चीज़ हमारा से मिस हो गई तो शिट आई मिस द ट्रेन यहाँ पे कहा गया है, तो शिट जो है यहाँ पे इंटरजेक्शन है। वाओ इट इज़ अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, यहाँ जो वाओ है यानी ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से कुछ वर्ड्स निकलते हैं उससे कहते हैं इंटरजेक्शन, तो यहाँ पे वाओ जो है साइड में लिखना अंडरलाइन करके। नेक्स्ट, ब्राहो वी आर गोइंग ऑन ए पैनिक, यहाँ पे जो ब्राहो है यानी हमें हमारी जो फीलिंग्स होती है हम जब वर्ड्स में उसे एक्सप्रेस करते हैं, तो जो वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे हुर्रे, ओ, शिट, वाओ, ब्राहो ये सभी इंटरजेक्शन है, अंडरलाइन करके साइड में आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पे पैसेज दिया गया है, रीड करना है हमें। देन नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ उसके आंसर्स हमें लिखने हैं, तो ये आपको खुद स्टूडेंट्स जो है रीड करना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। देन यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर्स आपको लिखने हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आज जो है हमने सेकंड नंबर का लेसन इन द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो इस लेसन के एक्सरसाइज देखी है, ये लेसन मैंने आपको समझा है, तो ये लेसन जो है वीडियो आपको अच्छे से देखकर अंडरस्टैंड कर लेना है। देन इसके जो क्वेश्चन है आपको नोटबुक में सॉल्व करने, इंग्लिश के नोटबुक में, और टेक्स्ट बुक में जहाँ पे पेज दिया है वहाँ भी सॉल्व करना है। देन सभी के फोटोज निकाल के मुझे सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाम